दोस्तों दिल्ली मोर्चे दे विच प्रोटेस्ट दे अलग अलग रंग तुसी देखे होणगे, पर हुण जिहड़े इंडिया दे टॉप 10 आर्टिस्ट दे विचों इक आर्टिस्ट ने जिहड़े के इस एक तरह की मिट्टी का जिहड़ा बुत बनाउंदे आ, मिट्टी तां नहीं गा असल दे विच अगे जाके फाइबर बन जानी है, ते जिहड़ा हैगा दे बारे मैं गल करूंगा, पर मैं तुहानूं इस बुत बारे दसदा। तां इस बुत दे विच जिहड़ा तुसी देख रहे हो इह सर छोटू राम ने, ये तो मैं जिहड़ा हैगा ते सर छोटू राम दे जिहड़ा हैगा इक मोढे दे उपर जिहड़ी तुसी लाश वेख रहे हो, हजे कंप्लीट नहीं, अज शाम तक कंप्लीट हो जाना यह जिहड़ा हैगा स्टैचू आ। तां इन्हां दे जिहड़ा मोढे उपर लाश आ उह संत राम सिंह जी दी है, जिन्हां दी के जिन्हां ने जिहड़ा हैगा अपने आप नूं गोली मार ली सीगी क्योंकि सरकार जिहड़ा हैगा किसानां दीआं मंगां नहीं मन लई मन रही। उस तों बिना जिहड़ा दूसरे मोढे उपर इन्हां दे हल होणा, माड़ा साइड दिओ जी माड़ा हल होना, हल भी तैयार है लगभग, इधरले पासे मोढे ते उन्हां दे हल होना, ते तां इह इक बड़ा जिहड़ा हैगा ते सर छोटू राम जिहड़े कि किसान सर छोटू राम एक्ट भी उन्होंने पास किया पर नहीं मन्ने। सर छोटू राम एक्ट दा विच इह सीगा प्रोविजन कि जेकर तुसीं किसे तों लोन लैता अते लोन दे नाल दुगनी रकम जे तुसीं देती है तां तुहानूं ब्याज भरन दी लोड़ नहीं, मतलब जे आपां किसे तों 1 लाख रुपया कर्जा लैता है अते जेकर बंदा 2 लाख रुपया उहनूं मोड़ चुक्या है ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਸੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਮੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਕਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸੇ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਗਾ। अच्छा, ये केवल इसकी कॉस्ट है भाई, जो इनका खर्चा रहेगा वो 1-1.5 लाख रुपए, ये गाड़ी का किराया भर के आए हैं तो वो मतलब अलग है। 5-6 लाख रुपए इसकी कॉस्ट हो जाएगी। प्लीज अपने बारे में बताइए, आपने ये स्टैचू तैयार किया, आपका नाम क्या है? सर दिवंजन रॉय। दिवंजन रॉय, दिवंजन रॉय जी कहाँ से आए हो आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हो सर, ये स्टैचू की कीमत कितनी होती है आप बता सकते हो थोड़ी? ऐसा कीमत कैसे लगा है, मैं तो कीमत के लिए आया नहीं, उसी तरह कीमत की बात ही नहीं, कीमत का बात खर्चा बहुत सकते हो, 3.5-4 लाख खर्चा होगा। 3-4 लाख रुपया खर्चा होता, लेकिन वो आप खुद की जेब से ही सारा कुछ कर रहे हैं। सर आपके दिल में क्या, क्यों ये स्टैचू बनाने का दर्द जागा? सर दर्द जागा मतलब जो बिल आया, ये गवर्नमेंट जब से बिल लाना चालू किया सब हमारा बिल निकल गया पूरा, हम लोगों का भी निकाला, तो मुझे बहुत दिन से आना था लेकिन मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, माँ का एक्सीडेंट हो गया, ये सब करके मैं थोड़ा देर हो गया है, लेकिन फिर भी जुटा के आ गया काम करने के लिए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं सर, ये कब तक तैयार हो जाएगा स्टैचू? आज कम्प्लीट हो जाएगा, कल से मोल्ड होगा, फिर इसका कास्टिंग होगा फाइबर में और कलर होगा। अच्छा, जो आज मिट्टी से बन रहा है जो इसकी फिनिशिंग फाइबर में होगी? फिनिशिंग मिट्टी में होगा, क्या होता है इसका, इसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब आप अगर कुछ ये कोई कैमरे से पिक्चर ले तो जिसका ले रहे हो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव में आता है ये नेगेटिव बन रहा है, वो देख रहे हैं मोल्ड हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाल बना रहा है, मैं दिखा चुका हूँ, नेगेटिव हो रहा है वो नेगेटिव है, और जब उसका कास्टिंग होगा वो पॉजिटिव फिर से आ जाएगा, यही प्रोसेस है इसका। ओके, तो ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसके कितना वजन होगा सर इसका? 35-40 किलो वजन होगा। और आपने ये स्टेज पे पहुंचाना है सर? ये सारा मुझे कुछ कोई नहीं पहुंचाना है, जो यहाँ का लोग है वो पहुंचेगा यहाँ पे लोग। आपने तो काम करके छोड़ देना है आपने, और आपका जो वहाँ से बंगाल से आया आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट की या खुद के खर्चा? सर खुद आया, कोई ऑर्गेनाइजेशन से मैं हुई नहीं। ओके सर, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, अपना काम करता हूँ, अपना शो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके सर, तो यही बात है, मैं आर्टिस्ट हूँ, और तो मेरे बारे में इतना इतना बोलने से नहीं, मैं थोड़ी एडवर्टाइज करने आया मेरा। ओके सर, वो जगह अलग है, मैं अपना एडवर्टाइज कर तो नहीं आया। आपका एडवर्टाइज करने नहीं आयो, आप सिर्फ किसानों को समर्थन देने आए। सो सर, आपने सर छोटू राम को ही क्यों चुना सर, और संत राम सिंह और हल्का, ये आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया सर? संत राम जी का बात बोल सकता हूँ कि संत राम जी जो किसान नहीं है लेकिन वो एक संत होते हुए भी किसानों के लिए अपना जीवन दे दिया ना, ये जरूरी है, मतलब जो आदमी
आपका दर्द समझ सकता है, वही आपके लिए जान दे सकता है, वही तो कुछ आपके लिए कर सकता है जो आपके मतलब आपके प्रोफेशन में नहीं है। ओके सर, अलग प्रोफेशन में होके भी वो आपके लिए कुछ कर रहा है, मतलब वो आपको उतना ही प्यार करता है, ये जरूरी है, इसलिए उसने जान दे दिया। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलग प्रोफेशन से हो, किसान भी नहीं हो, फिर भी आप किसानों का दर्द समझ के। हम लोग भी किसान है लेकिन अलग टाइप के। अच्छा, अलग टाइप के किसान है। और थैंक यू सर, आप इतनी दूर से आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी किसान जथेबंदियों की तरफ से। थैंक यू सर।